सिर्फ हमारी पार्लियामानी पार्टी के अराकीन नहीं, तमाम सूबाई असेंबली के अराकीन को असेंबली के अंदर जाने की इजाजत दी जाए। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है और नीचे जो गिनती हुई है, हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने उसी फिगर पर कायम हैं जो 197 का फिगर वजीर अला के इंतखाब के वक्त मौजूद था, क्योंकि अभी तक डी नोटिफाई करने का कोई इलेक्शन कमीशन की तरफ से रास्ता हमें नहीं मिला। और हम इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी 25 अराकीन को डी नोटिफाई नहीं किया गया, हमारी 197 की तादाद मौजूद है। और हम अब तमाम ऑनरेबल मेंबर्स के साथ असेंबली की तरफ जा रहे हैं कि असेंबली की सीटों को खोला जाए। उमर ये है उमर कि जब वजीर आला की सिक्योरिटी टीम आज पहुंची, उन्होंने वहां पहुंचकर सिक्योरिटी के अंदर के इंतजाम देखने चाहे तो सिक्योरिटी टीम को भी अंदर तक एक्सेस नहीं दिया गया। तो इसलिए हम अब असेंबली जा रहे हैं कि असेंबली के गेट खोले जाएं, जो परवेज इलाही साहब ने अपने गुंडों बदमाशों और जो उनके जाती मुलाजमीन हैं उनके जरिए असेंबली को सील किया है। ना मीडिया को अंदर जाने की इजाजत है, ना एमपीएस को अंदर जाने की इजाजत है। ये जिला काउंसिल गुजरात नहीं है जहां पे आपने तकिए और चादरें दे के रात को हाउस के अंदर बंदे सुलाए हैं। ये 12 करोड़ आबादी सूबे का मुकन्ना है, ये 12 करोड़ सूबे पंजाब की असेंबली है जिसको आपने ना सिर्फ सील किया और आपने आदत बना ली है कि आप इस ऐवान की बेहुर्मती करना चाहते हैं। आपके खिलाफ तरीके अदम एतमाद आई और तरीके अदम एतमाद आइन के मुताबिक 7 दिनों के अंदर उस पर वोटिंग कराना लाजिम है। आपने इंतजार किया, आपने कई बार इजलास बुलाकर मुलतवी किया क्योंकि आप चाहते थे कि ऐसा दिन आए जिसमें दंगा फसाद हो, जिसमें मार कुटाई हो और आप वो तरीके अदम एतमाद से बच जाए। ये गैर आइनी इकदाम है, इसको कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे, मगर अभी मीडिया के हजरात से हमारी गुजारिश है कि मीडिया के हजरात हमारे साथ जाएंगे और असेंबली के दरवाजे खुलवाए जाएंगे। हर एमपीए का हक है कि जब इजलास बुलाया गया है तो वहां पर दरवाजे खोले जाए और दाखिले की इजाजत दी जाए। और आप देखेंगे कि जिन लोगों ने डिप्टी स्पीकर को कत्ल करने की कोशिश की, जिन लोगों ने वजीर आला के इंतखाब के दौरान दंगा फसाद किया, मार कुटाई की, बदमाशी की, ये वही लोग हैं जो रात से असेंबली के अंदर मौजूद हैं, जो रात वहीं सोए हैं और असेंबली को सील किया हुआ है। ये गैर आइनी गैर कानूनी इकदाम है। मैं अभी आपसे वो तस्वीर शेयर करने लगा हूं जो अंदर के इस वक्त के हालात हैं और ये मीडिया पर चलाएं कि किस तरीके से गुंडे बदमाश हाउस के अंदर मौजूद हैं और किस तरीके से स्पीकर भी अपने घर में छुप के बैठा है क्योंकि उसे पता है कि मैं ये इलेक्शन गुंडों के जरिए करवाऊंगा। जब तक सिक्योरिटी के अहलकारों को, मीडिया के ऑनरेबल मेंबर्स को और ऑनरेबल एमपीएस को एक्सेस नहीं दिया जाता तब तक ये एहतजाज भी जारी रहेगा और हम असेंबली के दरवाजे इंशाल्लाह खुलवा के रहेंगे। पंजाबी में बड़ी तफसील दे नाल तारण साहब ने अपनी सारा मुद्दा जिहड़ा है तुहाडे सामने रखे है। साडी किसे नाल कोई जाती लड़ाई या झगड़ा नहीं है, ये पार्लियामेंट की बालादस्ती की लड़ाई है और जिस तरीके नाल पिछले 2-2.5 माह तो पार्लियामेंट नू पार्लियामेंटेरियंस नू रुसवा किया जा रहा है और बेतौकीर किया जा रहा है, मेरा ख्याल है इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती दुनिया की तारीख के अंदर। असी पार्लीमेंट जावांगे, पार्लीमेंट की बालादस्ती की लड़ाई जरूर लड़ांगे और इस हाउस नू वागुजार करावांगे। 12 करोड़ आवाम का हाउस है, इनके अंदर उन्हां दी आवाज होनी चाहिए है, ना कि गैर मुंतखब लोग जेडे पिछले इजलास भी उन्होंने हमले किए मैंबरान के उत्ते और हुण भी वह चाहते ने कि इत्थे कोई इंसीडेंट होवे, कोई झगड़ा होवे, कोई लड़ाई होवे और मैं उसनू इंजॉय करा और उनके उत्ते खेडा। असी किसी नू ऐसा मौका नहीं देना, इंशाअल्लाह ताला पुरअमन लोग हाँ, पुरअमन एहतजाज साडा हक है और पार्लीमेंट की बालादस्ती का असी ओथ लिया और असी अपने हलफ नू निभावांगे। मेरा ख्याल है हम बाकी बात असेंबली के बाहर कर लें सर। बाकी बात अभी क्योंकि हम जब असेंबली गेट्स पे जाएंगे तो हमें पता है कि इस वक्त सूरत हाल क्या है।
इन्होंने अमली तौर पे असेंबली के आउटर जो बाउंड्री वॉल वाले गेट्स हैं, फ्लैटीज होटल वाला दरबार गेट और जो ओल्ड असेंबली का गेट है टूवर्ड्स पीआई ऑफिस, उसके अंदर 25-25, 30-30 वो ब्लैक यूनिफॉर्म जो के परवेज इलाही साहब के माथे के ऊपर ये स्याह वर्दी स्याह कलंक है, जिस अंदाज से होस्टेज किया हुआ है यूनिफॉर्म के साथ, हमारे पे एतराज किया उस वाक्य पे जब डिप्टी स्पीकर पे कातलाना हमला हो रहा था, तो आपके बलवाइयों ने कातलाना हमला किया था, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपना रोल ना प्ले करती तो क्या करती? यानी असेंबली के हॉल के अंदर कत्ल हो रहा हो और आप कह रहे हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट अंदर ना जाए। आप याद रखें कि यकम रमजानुल मुबारक को जब पहले दिन यह सेशन कॉल किया गया था, तब ये सेशन से कैसे भागे थे? उसके बाद फिर लाहौर हाईकोर्ट का ऑर्डर आया जिसके तहत डिप्टी स्पीकर को ये इख्तियार तफवीज किया गया, इलेक्शन हुआ, 40th सेशन था वो, इलेक्शन के बाद वो प्रोरोग किया गया रिजल्ट अनाउंस करने के बाद, जिसको हाईकोर्ट में तस्लीम किया गया गवर्नर के ऑफिस के जरिए, प्रेसिडेंट के ऑफिस के जरिए। असेंबली की अथॉरिटी को अंडरमाइन किया जा रहा है, असेंबली के प्रोसेसेस को अंडरमाइन किया जा रहा है। ये सारे वाकयात टेबुलेटेड हैं, ये सारे वाकयात रिकॉर्डेड हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आज ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। पहले इजलास बुलाना, 7 दिन के अंदर अदम एतमाद की रिक्वायरमेंट होना, लेकिन उसको फिर मुअख्खर करना, फिर इजलास बुलाना 16 तारीख के लिए तलब करना, उसको फिर मुअख्खर करना, ये 3 बार पहले कर चुके हैं जो कि 7 दिन के अंदर होना था। और किसी सूरत भी वो प्रोसीडिंग्स जिसमें परवेज इलाही खुद अंडर क्वेश्चन है, उनको वो किसी सूरत चेयर नहीं कर सकते। एक अजीब कंफ्यूजन है, कंसीलमेंट है, अंदर गुंडे बिठाए हुए हैं, हॉल के अंदर गुंडे बिठाए हुए हैं। पिछली दफा आपने देखा कि असेंबली की लॉबियों से स्पीकर और ये जो क्रिमिनल 2 लोग हैं जिन्होंने डिप्टी स्पीकर पर कत्ल के हमले की पूरी मंसूबाबंदी की, इन सब के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई, उसके खिलाफ फिर ये शोर शराबा कैसा था? हमारा ये कहना है कि जब आपके साथ हम मीडिया के साथ वहां पर जाएंगे, अनलेस दे ओपन इट फॉर मीडिया, ये पब्लिक हेयरिंग्स हैं, ये पब्लिक प्रोसीडिंग्स हैं, अवाम का हक है कि वो जाने। या तो राइट टू इंफॉर्मेशन के बड़े दावेदार थे ये इमरान नियाजी एंड कंपनी, आप तो असेंबली के इजलास को भी कैमरे बंद करके करना चाहते हैं, ये कौन सी जमहूरियत की निशानी आप दे रहे हैं? तो मैं अब तमाम मीडिया के दोस्तों को दावत देता हूं, क्या हमारे साथ चलें और चल के देखें कि हवाल क्या है।